पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई के खैरा में सभा को 28 मिनट तक संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से बिहार में चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लालू के जंगलराज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी, हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुस कर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चुनावी सभा है या विजय सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने देश का नाम खराब किया है। राजद के लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। राजद सरकार में युवतियों को सड़क पर से उठा लिया जाता है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। जमुई में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के राज में भारत को गरीब और कमजोर देश माना जाता था यह बताया। छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुस कर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण।